सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभी के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता दोस्तों किस तरह से आज HP कैबिनेट की मीटिंग थी, ठीक है। तो कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पद भरने की बात कही गई है, तो देख लेंगे कौन कौन से पदों के ऊपर बात की गई है। यहां पे बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी आशाएं थी कि GOAIT से रिलेटेड कुछ बड़ी बात हो सकती है, बट फिलहाल कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अगली जो मीटिंग होनी है वो होनी है 3rd of March को। अभी आपको पता मार्च का पीरियड चल पड़ा है और मार्च मंथ में हमें काफ़ी सारी और भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हुई देखने को मिल सकती हैं। अभी देख लेते हैं आज कौन कौन सी वैकेंसीज़ के ऊपर मोहर लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग की और आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है। तो यहाँ पे HS के से रिलेटेड आपको यहाँ पे हो सकता है कि 9 पद यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिले। आगे आप देख सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत जनरल मेडिसिन पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्रोफेसर के 3 पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 9 यहाँ पे आप कह सकते हैं कि HPPSC की तरफ से और 3 यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से वैकेंसी भरने की बात हुई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने की स्वीकृति दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वैकेंसी सिविल जज की भरी जाएंगी। और आगे देखते हैं आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसिस्ट भी बहुत हैं HP में, बहुत से स्टूडेंट्स ने फार्मेसी का कोर्स भी किया गया। तो आप देखते हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आयुष विभाग में, ठीक है। जो बेसिकली आपको पता सेंटर में सर्वनंदा सोनोवाल जी की तरफ से ये इसको हेड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकारियों के 15 पदों की बैच वाइज आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया। तो इनके कितने पद भरे जाएंगे, 15, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, तो 9+3+10+15, यही टोटल वैकेंसी की बात हुई है। मोटा मोटे अगर हम पकड़े तो ये लगभग 33 वैकेंसीज़ यहाँ पे भरने की बात हुई है, ठीक है। अभी भी जो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ देने का वायदा किया है, आई होप जल्दी उससे रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 3rd March के दिन अभी नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सुक्खू सरकार कुछ ना कुछ जो भी कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से जो जिस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे और वैकेंसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार प्रोवाइड करेगी ताकि युवाओं का साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, कोई भी और इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।